वेलकम टू द लेक्चर्स डियर स्टूडेंट्स। गवर्नर जनरल की सीरीज के इस लेक्चर में हम लॉर्ड विलिंगडन और लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉर्ड विलिंगडन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, लॉर्ड विलिंगडन थे, जो उनका टाइम पीरियड था वो 1931 टू 1936 तक था। अब देखते हैं उनके टाइम पे कौन कौन से जो मेजर इवेंट्स हुए और कौन से एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये हुई थी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड इन 1932 बाय रॉम्से मैकडोनल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इससे कम्युनल जो कम्युनल अवार्ड के फादर कहा जाता है रॉम्से मैकडोनल्ड को, ये अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इनको कम्युनल अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट तो था ही था, अलग अलग कम्युनिटी के पास, मुस्लिम कम्युनिटी के पास था, एंग्लो इंडियंस के पास था, इंडियन क्रिश्चियंस के पास था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या किया गया था, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो इस कम्युनल अवार्ड में यही जो नया था, वरना उससे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो तो 1909 का एक्ट, 1919 एक्ट में दिया गया था, इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस ऐड की गई थी। नेक्स्ट, पुणे पैक्ट ऑफ 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुणे पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, वो किसको लेके हुआ था, इसी कम्युनल अवार्ड को लेके हुआ था। अब इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि अगर जो डिप्रेस क्लासेस है अगर उनको अलग से इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनका कहना ये था कि वो भी हिंदूज ही है, ठीक है, तो वो हमारे देश का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है कि वो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट देते तो एक यूनिटी में थोड़ी सी बीच में दरार आ जाएगी। तो वो उन्होंने क्या कहा कि आप जनरल इलेक्टोरेट, आपकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा लेकिन जो इलेक्टोरेट होगा वो जनरल होगा। जनरल का मतलब है हिंदू, उनको हर क्लास का आदमी, डिप्रेस क्लास हो गया, अपर क्लास का होगा, सब उनको उसको वोट देंगे, लेकिन जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो सीट होगी वो रिजर्व कर दी जाएगी। अदरवाइज पहले क्या था कि अगर एससी का सीट में खड़ा होता उसको वोट एससी ही देता, उसको कहते हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है और इसको गवर्नर जनरल से एसोसिएट करके भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली पूछा जाता है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी 1932 में। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ये भी याद रखना होगा। और बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया 1935। देखो 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया, वरना आज जो बर्मा है वो हमारे इंडिया के साथ होता अगर 1935 में सेपरेट नहीं किया होता। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा की सेपरेशन कब हुई थी 1935 में। सो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन है। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो फ्रॉम 1936 टू 1944। देखिए इनके टाइम पीरियड में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा यही होंगे लॉर्ड लिनलिथगो, ये तो हमारे बापू जी हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936 टू 1937 में जो पहली इलेक्शन हुई, प्रोविंशियल इलेक्शन हुई थी, ठीक है, वो 1936 टू 1937 हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस से पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था, कब, 1938 में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस। अब क्या था कि 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन जो थी वो जीत ली थी, लेकिन महात्मा गांधी अपने अलग किसी कैंडिडेट को चाहते थे कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो काफी रिस्पेक्ट करते थे महात्मा गांधी की, आल्दो उनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं थी लेकिन महात्मा गांधी की वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए जो 1939 की प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीतने के बाद भी महात्मा गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने जीत ली थी, लेकिन एड्रेस में महात्मा गांधी ने कहा कि जो उनका कैंडिडेट था उसका हारना मतलब मेरा हारना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि 1939 में फिर प्रेसिडेंट ऑफ जो कांग्रेस था उससे रिजाइन दे दिया और कौन सा एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना थी वो किसने की थी, ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, लाहौर रेजोल्यूशन जिन्ना भाई साहब ने किया 1940 में, जिसमें क्या कहा मुसलमानों को क्या चाहिए, अलग देश चाहिए, वो यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, ये मेरा कहना था। फिर अगस्त ऑफर, जिसपे मैंने एक वीडियो बना चुकी आप देख सकते हैं, अगस्त ऑफर जो वॉर की वजह से क्या हुआ था, जो अगस्त ऑफर से लॉर्ड लिनलिथगो को लेके आए थे कि भाई देखिए हमारी मदद कीजिए और बदले में हम भी आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये फेल हो गया था, वो अलग से वीडियो चैनल पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं अगस्त ऑफर की डिटेल। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन इसके बाद देखो जब अगस्त ऑफर फेल हो गया तो उनके अलाइज ने और प्रेशर डाला कि भाई देखो आपको हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। ये किसने कहा, जो अलाइज के उनके साथी थे जैसे यूएसएसआर था, यूएसए था, चाइना था, उसने प्रेशर डाला ब्रिटेन के भाई इनसे मदद लो, इंडिया वालों से कॉलोनी बना रखी कोई मदद नहीं करें क्या फायदा आपका। तो क्रिप्स मिशन फिर से ब्रिटेन ने भेजा कि भाई कुछ मदद करो हमारी।
तो इसमें थोड़ा सा और इंडिया को कहा गया कि आपको हम ये प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया था। इसकी वीडियो भी आप देख सकते, चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पासिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन देखेंगे, और ये डायरेक्ट एसोसिएट किया जाता है गवर्नर जनरल के टाइम, जब क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन या क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी 9 अगस्त 1942 में, ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। यह मूवमेंट कब शुरू हुई थी, 1942 में शुरू हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, डिवाइड एंड क्विट स्लोगन एट कराची सेशन टू ऑफ मुस्लिम लीग इन 1944, ये भी लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम हुआ। तो ये आपको पॉइंट याद रखने, एक सुभाष चंद्र बोस वाला, फॉरवर्ड ब्लॉक वाला, ठीक है, उसके बाद अगस्त ऑफर, क्रिप्स ऑफ क्रिप्स मिशन और इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट, ये पॉइंट आपको ये पूछने, इनमें से ये पॉइंट, चार पांच पॉइंट ये आपको एक मार्क्स दिलाने के लायक है किसी भी एग्जाम में। थैंक यू।